अच्छा, तो अभी हम अलाइनमेंट टूल की तरफ जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, ये हमने बनाया एक रेक्टेंगल, इसका लिया मैंने डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट लेने के बाद इसको मैंने राउंड किया और कॉर्नर से पकड़ के थोड़ा सा छोटा। ठीक है, अब मैं लिप्स टूल सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, ये लिप्स टूल, और शिफ्ट बटन प्रेस करके ये एक्यूरेट सर्कल मैंने बना लिया। ठीक है जी, तो इसके बाद इसके मैं कुछ डुप्लीकेट्स तैयार करूंगा। डुप्लीकेट जब मैं इसका ले रहा हूँ, मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया हुआ है इस टाइम और क्लिक किया हुआ है, और इसके साथ ही मैंने शिफ्ट का बटन भी प्रेस किया है, और आपको ये गाइड नजर आ रही है, ग्रीन कलर की लाइन है। ठीक है, जिनको ये गाइड ना मिले तो वो इसको ऑन भी कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ किस तरह से करना है। मेन्यू में व्यू बटन के अंदर गाइड होती है, वहां से जाके आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये सर्कल, अब मैं पहले क्या करूंगा, पहले क्लिक छोड़ूंगा, क्लिक छोड़ने के बाद फिर मैंने बटन्स को लीव करना ही हो। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा ऑल्ट का बटन प्रेस करके, यूं ये चीज हो गई। अभी आप जो चीज सीखने लगे हैं इसको कहते हैं ग्रुप करना और अनग्रुप करना। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी प्रेस किया, कंट्रोल जी से ये ग्रुप हो गए। ग्रुप जब ये हो जाएंगे तो इसका क्या फायदा होगा, किसी एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो सारे ऑब्जेक्ट उसके साथ साथ मूव होंगे, ये ग्रुप हो गया। अनग्रुप के लिए एक शॉर्ट की है, कंट्रोल जी से ग्रुप किया ना तो शिफ्ट करेंगे बस साथ प्रेस, कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे तो ये अनग्रुप होगा। ये मैंने प्रेस कर दिया, अब ये अलग अलग हो गए। तो इसको पहले वाली हालत में वापस लाने के लिए, जैसे ये पहले थे, हम क्या करेंगे, अनडू करेंगे। तो अनडू की वही शॉर्ट किया जो एमएस वर्ड में होती है, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, ये जब तक ये वापस उसी फॉर्म में नहीं आते, तो इनको दोबारा से सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल जी कर देना है। अच्छा, अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट वन एंड दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर टू एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट थ्री। अच्छा, ये तीन ऑब्जेक्ट हमारे हो गए। फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट कर देंगे यूं, जैसे यहाँ से पीछे से सिलेक्ट करते हुए आ रहे हैं, और ये तीनों को अपनी सिलेक्शन के अंदर रखा, और ये हमारे पास ऊपर बार में अलाइन टूल आ गए। इसमें आप यूं करेंगे, सेकंड नंबर वाला हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ये प्रेस कर देंगे, इसके बिल्कुल साथ हम प्रेस करेंगे ये वाला बटन, वर्टिकल अलाइन सेंटर ये। तो आप चेक कर सकते हैं हमारे पास एक डिजाइन बना। अब इस डिजाइन का क्या करने वाले हैं वो आपको मैं बताता हूँ जी। अदनान, आप पूछें कोई क्वेश्चन आपका। जी मिस्टर अदनान, एनी क्वेश्चन? आपका माइक ही कनेक्ट नहीं है, आपको आवाज इसलिए नहीं आ रही हजरत। आप देखें, आप के जूम की जो ऐप है ना, वहां पे माइक का साइन बना है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो लिखा होगा कनेक्ट वाया ऑडियो, उस पर क्लिक करेंगे आपको मेरी आवाज भी आएगी और आप फिर बोल भी सकते हैं। तो अगर आपको आवाज नहीं आ रही अभी तो आप फिर लेक्चर की रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। जजाकला जी। मिस फातिहा, एनी क्वेश्चन? काइंडली माइक ऑन करें और बोलें, पूछें क्वेश्चन, पूछें मेरे से। ये जो मैंने किया है, ये डिजाइन आपके सामने एक छोटा सा बनाया, इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अच्छा जी, ये असल में मैं डिजाइन बना रहा हूँ लूडो स्टार का इंटरफेस। मैंने एम का बटन प्रेस किया, एक रेक्टेंगल लिया, इसका मैं डुप्लीकेट तैयार करता हूँ। अभी पहले ही एक बनाऊंगा, ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा, ये लाइन के ऊपर अपना कर्सर ले जाऊंगा, ऑल्ट का बटन प्रेस करके यूं नीचे की तरफ आया, एक, ये दो, कंट्रोल डी के साथ इसके मैं मल्टीपल डुप्लीकेट तैयार कर रहा हूँ। ये मुझे टोटल चाहिए सिक्स, ये सिक्स हो गए। इनको पर मैंने दोबारा से, यानी ये पहले इकट्ठा सेलेक्ट कर लूंगा, करने के बाद डुप्लीकेट किया, कंट्रोल डी कर दिया, और इन सबको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी कर दूंगा ग्रुप।
इसको मैं रख दूंगा साइड पे। अब मैं एम का बटन प्रेस करूंगा, इधर एक कॉर्नर से क्लिक करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा हूँ। अब मैं शिफ्ट का बटन साथ ही प्रेस कर लूंगा, क्लिक नहीं छोड़ूंगा। ये चीज मेरे पास बन गई यूं। अच्छा, अब ये वाली जो शेप है इसको मैं यूं सिलेक्ट कर लूंगा, ये देखें साइड पे। इसी का डुप्लीकेट लूंगा, डुप्लीकेट लेने के बाद इसको थोड़ा सा राउंड करके शिफ्ट के साथ रीसाइज किया। अच्छा, अब मैं वो लेता हूँ लिप्स टूल, शिफ्ट बटन प्रेस किया यूं, और इसका डुप्लीकेट, इन दोनों को पकड़ा, ये देखें, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसका डुप्लीकेट लिया, फिर इन चारों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी, ये एक ऑब्जेक्ट, ये वाला था सेकंड और ये थर्ड। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी इसके साथ ही कहीं रख दूंगा। अब इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद ये अलाइन टूल ऊपर आ जाएंगे, हम करेंगे सेंटर वाला बटन प्रेस ये, और इधर से ये वाला बटन प्रेस करेंगे, और इसको मैं रख दूंगा इसके बिल्कुल साथ यूं। अब इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी प्रेस करूंगा। कंट्रोल जी जैसे ही मैंने प्रेस किया, ये सारा एक ग्रुप बन गया। इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा। अब ये सर्कल हैं थोड़े से छोटे लग रहे हैं मुझे, तो इसको मैं डबल क्लिक करके खाली सर्कल को सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखें, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसका डुप्लीकेट लिया। डुप्लीकेट लेने के बाद अपने कर्सर को ये एक कॉर्नर के एंकर पॉइंट पर जैसे ही मैंने रखा ये, तो ये रोटेट का साइन आया है, ये रोटेट एरो। शिफ्ट प्रेस करके हल्का सा इसको मैं रोटेट करूंगा यूं, ठीक है। शिफ्ट के बगैर, अगर आप शिफ्ट के बिना आप करेंगे ना इसको रोटेट, तो ये एक्यूरेट नहीं, आपके पास एक्यूरेसी इसकी नहीं आएगी। फिर इसका डुप्लीकेट लूंगा यूं, और ये रोटेट कर दिया मैंने, इसको मैंने ला के यहाँ पे रख दिया ये। फिर इसका डुप्लीकेट किया और ये किया रोटेट, और इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया लाइक दिस, ठीक है। अब सारे को सिलेक्ट करूंगा एक कॉर्नर से थोड़ा सा छोटा, तो ये आपके पास लूडो स्टार का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो अगली चीज करवाने लगा हूं वो है हमारे पास पाथफाइंडर टूल। पाथफाइंडर टूल क्या होता है, हम अगर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये देखें, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम ये करना चाहते हैं एक डुप्लीकेट। डुप्लीकेट लेने के बाद हम इसको ये शेप देते हैं, ठीक है, और इसको रख देते हैं यहाँ पे एक कॉर्नर रेडी। डुप्लीकेट लेके इसको सेकंड कॉर्नर पे ले गए। अब हम देखेंगे ये ऑब्जेक्ट वन है, ये ऑब्जेक्ट टू है, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम विंडो में जाएंगे, यहां से निकालेंगे पाथ फाइंडर, इसका शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट F9, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन के बाद हमारे पास पाथ फाइंडर के अंदर ये एक टूल है यूनाइट। यूनाइट करने से क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट हमारा बन गया, ठीक है। कंट्रोल जी किया, अंडू। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ये करूंगा माइनस वाले पे क्लिक, तो ये उतना पार्ट उसमें से माइनस कर देगा, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट बटन दबाएंगे यूनाइट, फिर इस वाले को और इस वाले को सिलेक्ट करके यूं, फिर इसको कर देंगे यूनाइट। अब हम सर्कल लेंगे, एल का बटन प्रेस किया, शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करेंगे हम, और ये शेप रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे अलाइन टूल, अगर ये इधर भी जाता है तो। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये वाला जो बटन है सेंटर, ये, और ये थोड़ी सी नीचे कर देंगे चीज, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, और यहाँ से हम करेंगे माइनस। माइनस करने के बाद ये चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम सर्कल लेंगे, ये देखें सर्कल, इसका लेंगे डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट ले लिया, ये मैं करने का लगा हूँ असल में। सर्कल का डुप्लीकेट लेने के बाद अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और ये माइनस का बटन प्रेस कर दूंगा, तो ये आपको मून की शेप बना के देगा। कंट्रोल जी से अंडू किया, दोनों को सिलेक्ट किया, और अगर मैं जाऊंगा यूनाइट के ऊपर, ये लें जी, अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, अगर मैं जाता हूँ इंटरसेक्ट वाले बटन पे, इस पे क्लिक करने से क्या होगा, इस पे क्लिक करने से
जो उसका सेंटर पार्ट आ रहा है वो सिलेक्ट होगा, कंट्रोल जी किया, और ये जो लास्ट वन पे है हमारे पास एक्सक्लूड ऑल, इस पे क्लिक करूंगा। इसके साथ क्या होगा, ये शेप डबल क्लिक करके इसको अगर मैं साइड पे करूंगा, ये शेप अलग हो गई, ये अलग हो गई, तो ये हम कर सकते हैं पाथ फाइंडर टूल के साथ। ये वाले जो फंक्शंस हैं ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस टूल की मदद से हम असाइनमेंट नंबर टू जो है वो रिपीट करेंगे आपके सामने अभी, ये वाली, ठीक है। ये देखें असाइनमेंट नंबर टू, ये उससे पहले मैंने आपको एक दफा से अगेन ये लूडो बनाना बताई। इसके असाइनमेंट के अंदर ये नीचे कुछ टूल लिखे हैं, ये वाले, ये टूल हमने सीखे हैं, यानी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें क्या क्या नजर आ रहा है, ये रेक्टेंगल कैसे लेना है, इनके कॉर्नर्स को राउंड किस तरह से करना है, और ये सर्कल कैसे बनाने हैं, इनको डुप्लीकेट कैसे करना है, इनको ग्रुप किस तरह करना है, ठीक है। और फिर ये स्टार नहीं बताया, स्टार को मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये इसी टूल के अंदर हमारे पास ये स्टार टूल है, शिफ्ट और ऑल्ट बटन प्रेस करके अगर आप स्टार बनाएंगे तो यूं बनेगा, अगर आप बटन कोई भी नहीं प्रेस करते और स्टार को ड्रैग करेंगे तो आपके पास स्टार की शेप कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इधर से असाइनमेंट नंबर टू पे आते हैं, यहाँ मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड्रॉयड लोगो, और ये चीज ले लेता हूँ, कोई सा भी पकड़ लेते हैं, ये वाला। इसको मैंने सेव इमेज किया, ये फाइल मेरे पास सेव हो गई, और जब ये डाउनलोड हो जाएगा इसको मैं ऐसे ही ड्रैग करके इलस्ट्रेटर के ऊपर रखूंगा। जब इलस्ट्रेटर ओपन होगा फिर मैं यहाँ आर्टबोर्ड पे ला के कर्सर को छोड़ूंगा। अच्छा जी, ये चीज हमने बनानी है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम यूज करेंगे अपने रेक्टेंगल टूल को, और ये पाथफाइंडर हमें चाहिए क्योंकि इसकी मदद से बनेगा सारा। अच्छा जी, अब हम जाएंगे जी रेक्टेंगल टूल में, ये चीज, इसके बाद जी अब्दुल्ला आपको रिकॉर्डिंग इसकी भी मिलेगी, जितने भी सेशन होंगे सबकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ठीक है। बेहतर ये है कि ये आप रिकॉर्डिंग पे डिपेंड ना करें, आप लाइव क्लास लाजमी लें, रिकॉर्डिंग तो मिलनी ही मिलनी है क्योंकि लाइव क्लास में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने शेप बनाई है ना, इसके फर्स्ट टू ये ऊपर वाले पार्ट सेलेक्ट करने हैं, लेकिन ये वाइट जो हमारे पास एरो है ड्रैग सिलेक्शन टूल, इसको सिलेक्ट करेंगे, और ये देखें अब यूं फुल डाउन इसको करेंगे और वी का बटन प्रेस करेंगे और सेंटर से अप कर देंगे। ये चीज बनाने के बाद थोड़ा सा ऊपर किया, दोबारा रेक्टेंगल पकड़ लिया हमने एम के साथ, और इसके इक्वलेंट हम जाएंगे यूं, ठीक है जी। और इसके वो नीचे वाले कॉर्नर को राउंड किया है, ऊपर वाले स्ट्रेट है, तो ए का बटन प्रेस करके सिर्फ इसके नीचे वाले कॉर्नर को पकड़ेंगे और हल्का सा यूं राउंड दे देंगे। ये चीज हमने बना दी। स्ट्रोक इसका यहाँ से हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, ये देखें। अच्छा, अब ये चीज है बाजू, इसके एम का बटन प्रेस किया, और ये चीज, और इसके अंदर ये सर्कल आ गए हैं, ये पॉइंट आ गए हैं, अंदर की तरफ मूव कर देंगे इसको दोनों को, यानी इसको क्लिक किया, एक पॉइंट को पकड़ के अंदर की तरफ मूव किया, दोनों हमारे पास बन जाएंगे। और ये थोड़ा सा छोटा, एक को हमने रख दिया यहाँ पे, इसका डुप्लीकेट लिया इधर रख दिया, डन हो गया जी। अच्छा, अब ये दो नीचे वाले हैं तो इसी को हम पकड़ लेंगे डुप्लीकेट करके, एक को हम रखेंगे यहाँ पे, दूसरे को हम रखेंगे यहाँ पे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा जो कीबोर्ड में बटन होते हैं एरो की वाले, राइट लेफ्ट, लेफ्ट वाले को प्रेस करेंगे यूं, ठीक है। और अब इन तीनों को, एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इन तीनों को सिर्फ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पाथफाइंडर में जाके यूनाइट वाला बटन प्रेस कर देंगे, तो ये शेप बन गई। अब हम इसमें कलर कैसे करें, ठीक है, ये बाजू कुछ इसके मुझे ठीक नहीं लग रहे, हम दोबारा से बनाते हैं। एम का बटन प्रेस किया, ये हमने बनाए थोड़े से इसके पतले से रख के, ये साइड पे ये रखा, ये अंदर की तरफ, और एक रहा यूं, ठीक है जी। अब हम इन सारे को सिलेक्ट किया,
यहाँ पे एक टूल है हमारे पास आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे और ये जो आइकन नजर आ रहा है ग्रीन कलर, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये वाला कलर इधर फिल हो गया। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं ग्रे कलर है, डार्क ग्रे, इस पे क्लिक करेंगे ये कलर फिल हो जाएगा। व्हाइट पे क्लिक करेंगे व्हाइट फिल हो जाएगा। तो जो भी कलर आप करना चाहें, ये कलर बॉक्स है डबल क्लिक करो, यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई कलर देना चाह रहे हो वो आप दे दो, ठीक है। बस इस पे डबल क्लिक करना है, ये कलर शेडो आपके पास आ जाएगा, नहीं तो आप ऊपर जाकर यहाँ से भी कलर्स वगैरह इसके चेंज कर सकते हो। आई का बटन प्रेस करेंगे, ये वाला टूल सेलेक्ट हो जाएगा, आई ड्रॉप पर क्लिक कर देंगे, ये आ गया आपके पास। अब हमारे पास ये आईज हैं कुछ, इसकी इसी तरह से सेम बनाएंगे। एल का बटन प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करते हुए एक सर्कल लिया हमने, ठीक है। तो ये हमें दो बनानी है, इसी वाली को क्लिक करेंगे, इसका डुप्लीकेट लेंगे कुछ यूं। इन दोनों को करेंगे हम ग्रुप। ग्रुप करने के लिए मैंने बताया कंट्रोल जी, कंट्रोल जी का बटन दबा के इसको रखेंगे इस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे, ये रख दिया। आई का बटन प्रेस करके यहाँ से व्हाइट कलर दे देंगे। अच्छा, ये तो हो गया दो नंबर तरीका। अगर एक नंबर तरीके से आप करना चाहते हैं तो आप आई का कलर चेंज कर दें यहाँ से, ये मैंने कलर इसका कोई सा भी, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास सर्कल है, इसको इसके ऊपर रखा, इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से ये माइनस का बटन दबाएंगे तो उतना एरिया आइज वाला इसका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब जस्ट आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं कोई भी कलर तो ये आप चेक कर सकते हैं जी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम ये उसके ऊपर ये जो इसके दो सींग से बने हुए हैं ये बनाएंगे, तो वो भी इजी है। एम का बटन प्रेस करके ये एक बार यूं, इसका एक डुप्लीकेट, इनको थोड़ा सा ना हम और मजीद थिन करते हैं यूं, ये एक ही रख लेते हैं, इसका डुप्लीकेट आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा ये रोटेट और इधर से यूं, ये करने के बाद एक को हमने रखा इधर, दूसरे को हमने सेट कर दिया यहाँ पे, ये लें। और थोड़ा सा आप इसको नीचे की तरफ ले जाएं, या आप हाथ से कर लें, नहीं तो आप इसको भी सिलेक्ट करके इसको आप कर देंगे यूनाइट। अच्छा, अब आखिरी स्टेप है कि ये आप मुझे भेजेंगे किस तरह से। इसको सेंड करने के लिए आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाके एक्सपोर्ट पे जाना है, एक्सपोर्ट में जाने के बाद आपने सेव टाइप में जाके, ये है जी जेपीजी, इस फॉर्मेट को आपने सेलेक्ट करना है। और ये यूज आर्टबोर्ड, यूज आर्टबोर्ड क्यों करते हैं, आपका ये वाला जो एरिया है वाइट वाइट, इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वही वाला आए। आप अगर यूज आर्टबोर्ड नहीं करेंगे तो हमारे पास ये एंड्रॉयड का जो लोगो बाहर पड़ा है ये भी साथ ही सेव होगा। तो पहले थोड़ा सा सर, आर्टबोर्ड को भी इसकी आप सेट कर सकते हैं। थोड़ी साइज जी जी वो जो डिजाइन आपने गूगल से लिया था उसकी व्हाइट बाउंड्री आ रही है, इस पे जो बनाया उसको व्हाइट बाउंड्री आप इसकी लगा सकते हैं। अभी अगर हम इसको उठाकर बाहर लेके जाते हैं ये ऐसे, क्योंकि उसकी बेस व्हाइट है इसलिए अगर मैं लगाता आपको समझ नहीं थी उसकी आनी। यहाँ से इसका ये स्ट्रोक जो है इसको व्हाइट करके इसका ये स्ट्रोक बढ़ाएंगे यहाँ पे, ये स्ट्रोक इसका जितना आप इंक्रीज करेंगे तो वो व्हाइट उतना आपको मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रोक होता है आउटलाइन की बाउंड्री, थैंक ठीक हो गया। अब इसको सेव करना है तो ये रख लिया, ये एरिया आपको एक्सटर्न लग रहा है तो हम ये आर्टबोर्ड का बताया था, आर्टबोर्ड इसके इक्वल कर लें थोड़ा सा, ये हो गया जी। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, अगर आपका ये आर्टबोर्ड ना यूं छोटा हो जाता है या यूं चला जाता है नीचे की तरफ ऐसे, इसको बिल्कुल स्क्रीन में फिट करने के लिए ना आपने दबाना है कंट्रोल जीरो। कंट्रोल जीरो करेंगे तो आर्टबोर्ड फिट हो जाएगा स्क्रीन के अंदर। कंट्रोल माइनस करेंगे जूम आउट हो रहा है, कंट्रोल प्लस करेंगे जूम इन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फाइल में एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे जाके सेव टाइप जेपीजी, और इसको मैं डेस्कटॉप पे एक नाम रख देता हूँ एंड्रॉयड लोगो यूज आर्टबोर्ड ऑल ही रखेंगे, क्योंकि हम अभी हमने एक आर्टबोर्ड रखा हुआ है,
और एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पे कलर मोड आ गया CMYK तब सेलेक्ट करना है जब आपने फाइल को प्रिंट करवाना है। हम अभी RGB करेंगे। ये CMYK और RGB का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी आपको पढ़ाना है अभी हमने। और ये रेजोल्यूशन आ रहा होगा, ये आपने करना है 300 नहीं करेंगे तो वो पिक्सल इसके फटे फटे नजर आएंगे। और ये क्वालिटी इसकी आपने एंड तक रखनी है 10। ये करने के बाद आप ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया, ये देखें ये फाइल पड़ी है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये लें जी। ठीक है, अब अगर यही मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड करना है तो ये बैच 2 का ग्रुप आपके सामने ओपन है। इसमें मैं जाके फोटो पे जाऊंगा और डेस्कटॉप में जाके ये लोगो ओपन, ये इस तरह से आ रहा है, ये लें जी, ये रहा। इस तरह से आप अपनी असाइनमेंट्स बना के इसी ग्रुप में भेज दें। ठीक है, जी ड्राइव का एक्सेस आपको मिल गया, वहां से असाइनमेंट्स डाउनलोड कर लें। असाइनमेंट नंबर 1-2 दोनों आप अपनी सबमिट मुझे करवाएंगे। जजाकल्ला, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे, मैं रिकॉर्डिंग इसकी एंड करता हूँ।